मैं हूँ ज्योति राघव। खेलो कॉमेडी लीग के साथ हम जुड़ चुके हैं विकल्प मेहता के साथ भी, और इनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है आपको जो मतलब भारत के जो भी मतलब राजस्थान के जो कॉमेडियंस जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे, कुछ लोगों को आप नहीं जानते, तो उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, कॉमेडियन भी हूँ, और साथ में क्रिकेट लवर भी हूँ। क्रिकेट देखना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है। तो ये सीज़न 2 है, और हमारे जितने भी मित्र हैं जो कॉमेडियंस हैं राजस्थान के, कई को जैसे आपने कहा कि मैं जानता हूँ, कई को नहीं जानता हूँ, सब एक साथ हैं, और इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता। इतना ज़बरदस्त, आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि IPL के लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, वैसा ही फीलिंग आ रहा है। और उसी डेडिकेशन से सारे कलाकार खेल रहे हैं, तो खेल जो है जोड़ता है लोगों को। तो यहाँ पर जो कलाकार एक दूसरे को नहीं भी जानते, कोई गंगानगर से हैं, कोई जोधपुर से हैं, कोई जैसलमेर से हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है एक कम्युनिटी बनाने के लिए आर्टिस्ट के। और यहाँ पे जैसे अभी पुरुषों को मौका मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर महिलाओं को भी मौका मिलेगा? डेफिनेटली मिलना चाहिए, एंड आई थिंक वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पर आर्टिस्ट का बीच में टूर्नामेंट होगा, और लड़कों के साथ जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेगी। तो आई थिंक वो भी 100% बहुत जल्दी, आई थिंक 3-4 महीने में ही वो प्लानिंग हो रहा है, उसमें और भी मज़ा आएगा। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में गर्ल्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं, और कई स्पोर्ट्स में जेंट्स को बहुत पीछे छोड़ रही हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर भी ऐसा होगा। अक्सर देखा जाता है कि जो राजस्थान के जो कॉमेडियंस होते हैं उनको बाहर के जो अदर स्टेट होते हैं उनके अंदर स्टेज नहीं मिल पाता, मंच नहीं मिल पाता, तो क्या लगता है राजस्थान के जो कॉमेडियंस हैं उनको इतनी आसानी से मंच क्यों नहीं मिल पाता? मुझे तो ऐसा पता नहीं कि कितना स्टेज मिलता है कितना नहीं मिलता, क्योंकि जैसे अगर अदर स्टेट्स की बात की जाए तो कोई अगर मराठी एक्टर है या कॉमेडियन है तो शायद राजस्थान में बहुत कम लोग उनको जानते हैं। तमिल के कोई जो रीजनल सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ या कॉमेडियंस की, मैं तो राजस्थान के जितने कॉमेडियन हैं यहाँ पर जो आए हैं, मुरारी जी आए हैं, ख्याली जी आए हैं, पंकज शर्मा, श्याम रंगीला, सबको यहाँ पे बहुत अच्छा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लोग जानते हैं, और रेगुलर वो इवेंट शोज़ वगैरह में भी उनको एज ए गेस्ट, एज ए परफॉर्मर बुलाया जाता है। तो जो जिस क्षेत्र के वो हैं वहाँ पर उनको प्यार मिल रहा है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर भी पहचान मिलेगी। सर, अब लास्ट में आपके अंदाज में हमारे राजस्थान के लिए कुछ दो शब्द हो जाए। जनता दरबार न्यूज के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मजा लीजिए, यहां पर कॉमेडी और क्रिकेट का एक जबरदस्त संगम हो रहा है। हम भी आए, आप भी आइए, और मस्त रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। जनता दरबार न्यूज के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। देखते रहिए लेटेस्ट खबरों के लिए और जानकारी के लिए जनता दरबार न्यूज। थैंक यू। वैसे तो इन सर के बारे में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको हर कोई जानता है, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में ये सबको समझाते रहते हैं। तो वहीं आज हम यहाँ मिले हैं, क्रिकेट कॉमेडी लीग जो चल रहा है जयपुर के अंदर, ये यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे इनको मिल रहा है। तो सर बताइए। बिल्कुल बेटे, मैं तो यहाँ अपने मित्रों से मिलने आया हूँ, कॉमेडियन जो है ख्याली भाई है, मुरारी है, विकल्प था, और वो रंगीला जी है, सारे और भी कॉमेडियन और यूट्यूबर से मिलना एक अच्छा सुखद अनुभव होता है। तो चलो मेरे को मिल के आते हैं, और अवेयरनेस की जोत जगती रहे लोगों में, लोग जान बचती रहे, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो सर यहाँ पर आप किस टीम को सपोर्ट करने आए हैं? मैं सारी टीमों को सपोर्ट करने आया हूँ, जब आदमी किसी टीम में भी नहीं होता ना तो सबकी सपोर्ट करता है। तो जो अभी आप वीडियोस बनाते हो ट्रैफिक को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, तो क्या लगता है कि उस वीडियो से लोग प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल होते हैं, और उसका प्रभाव भी होता है, और लोग मिलते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर आपने जो समझाया, तो हमने हेलमेट लगाया हुआ था, सीट बेल्ट से जान बची हमारी, तो अच्छा लगता है, किसी घर में रोशनी होती है। तो काफ़ी दिनों से आपके YouTube चैनल पे वीडियोस भी नहीं आई, तो उसका क्या रीज़न है सर? नहीं, अभी क्या होता है, कोई चीज़ एकदम जीवन में उठती है फिर नीचे भी आती है, ग्राफ भी गिरता है, तो अभी जॉब मेरी वहाँ से बदल गई जहाँ मैं वीडियो बनाता था,
तो अब अलग तरह का काम है, पर अब जब कम समय मिलता है। जनता दरबार न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जन का मन होता है तभी जनता का मन होता है, और जन का मन था इसलिए अब जनता का दरबार सजा है। और मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जनता दरबार वाले वाकई जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, और हर बार करेंगे, क्योंकि आपके नाम में जनता दरबार है। तो आप बढ़िया काम करते रहें। बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, और सच्चाई की दुनिया में थोड़ा सा हंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई।